बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल सीमा शेफ। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं माउथ वाटरिंग बिरयानी, वो है सुलेमानी बिरयानी, बहुत डिलीशियस एंड टेस्टी बिरयानी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ीद वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। बिरयानी के लिए चिकन 3 पाव है। सबसे पहले हम मेरीनेशन करेंगे। 1 प्याली भर के क्रीमी योगर्ट ऐड करेंगे, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, साबुत मसाला ऐड करेंगे, 4 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, स्टार आइंस 3 से 4, लौंगे और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर। तो मीडियम साइज़ के अनियन को फ्राइड करेंगे, इतना फ्राइड करेंगे जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो उसको हम चिकन में ऐड करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। सॉल्ट टू टेस्ट, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब चिकन ऐड करेंगे। सारे मसालों में चिकन को अच्छे से डिप करेंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट, वो लाजमी ऐड करना है। 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड करने के बाद मैरिनेटेड चिकन को फ्रिज में रखेंगे मिनिमम 40 मिनट तक, या आप होल नाइट भी रख सकते हैं। वाइट पतीली में 1 कप से थोड़ा कम ऑयल ऐड करेंगे। देन 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन स्लाइस किए हुए ऐड करेंगे। बिरयानी में ज़्यादा ऑनियन होगा तो बिरयानी अच्छी बनती है। 3 से 4 तेज़पात। ऑनियन जब ट्रांसपेरेंट होने लगेंगे तो मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे और सारे चिकन को अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए कवर करके चिकन को रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। बिल्कुल जेंटली हमने चिकन की भुनाई करनी है, ज़्यादा हार्डली स्पून नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो चिकन की बोटियाँ टूट जाएंगी। साल्ट मैंने ऐड किया था क्योंकि मुझे कम लगा था, आप भी देख लीजिएगा। वाइट पेपर है, वाइट नहीं तो ब्लैक थोड़े से पेपर, 1 बिरयानी मसाला और ये कड़ी पत्ते। अब सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे ताकि जो चिकन में कच्चापन हो वो भी ख़त्म हो जाए, और कवर करके मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे। साथ ही थोड़ी इमली ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर इमली से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के, वो भी ऐड किया था। चिकन कोरमा रेडी हो गया। हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी, बहुत यमी दिख रहा है। अब राइस बॉयल करते हैं। राइस के लिए पतीले में ये गरम मसाले और हरी मिर्चें ऐड की हैं, कवर करके बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो राइस ऐड करेंगे। पानी में ग्रीन चिली ऐड करने से राइस थोड़े स्पाइसी हो जाएंगे तो बिरयानी का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। अब कुक करेंगे। सॉल्ट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और यहाँ पे थोड़ा आप विनेगर भी ऐड कीजिएगा, ऐसे चावल खिले खिले हो जाएंगे। तकरीबन 6 मिनट तक हमने कुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो ओवर कुक हो जाएंगे। हल्की सी तरह राइस की लगाएंगे पहले बेस में, देन कोरमा ऐड करने के बाद बाकी जो राइस बचे हैं वो ऐड करेंगे। हमारे घर में फूड कलर वाली बिरयानी पसंद की जाती है, इसलिए मैंने ऐड किया, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। कवर करके दम लगाएंगे 30 मिनट या उससे थोड़ा ज़्यादा। राइस को दम लगाते हुए तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। पूरे घर में खुशबू फैली हुई है बिरयानी की, बहुत खिले खिले से राइस लग रहे हैं, माशाल्लाह से। आप देख लीजिए ये सुलेमानी बिरयानी और ये राइस। अब इसको जल्दी जल्दी डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, ये थी सुलेमानी बिरयानी। आप लोगों ने देखा कितने शॉर्ट टाइम में हमने ये शानदार बिरयानी बना ली। ग्रीन चिली के रायते के साथ एंजॉय करें और पार्टी कर लें।
आप सबको आज की ये चिकन सुलेमानी बिरयानी कैसी लगी? वाइट बिरयानी, उम्मीद है आप सब लोग बहुत लाइक करेंगे और अपनी राय का इजहार भी करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयरिंग याद से किया करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।